माँ, जोरों से भूख लगी है, खाने में क्या है? इसका जवाब तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? पहेली बूझकर। पहेली? उसमें तो मैं निपुण हूँ। निपुण? देखते हैं कि कितने निपुण हो। तो बताओ, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? इतनी आसान पहेली तुमने बूझ लिया? जी, ये तो दही बड़ा है। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? क्या माँ, आपने ही तो बताया कि बड़ा कहलाता है और दही में नहाता है। ठीक है, मान लिया कि तुम निपुण हो। तो अब तो खिला दो दही बड़ा। माँ, जल्दी से मेरी एक पहेली का जवाब तो दो। अभी नहीं, मैं अभी काम कर रही हूँ। बस एक छोटा सा सवाल, फिर नहीं परेशान करूँगा। ओहो, अच्छा पूछो। वो क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं? पिटाई, जो मैं तुम्हारी करने वाली हूँ। नहीं माँ, आप सही से जवाब दीजिए ना। इसका जवाब है धोखा। सही जवाब। क्योंकि कोई भी एक बार धोखा खाके दोबारा नहीं खाना चाहता। आज तुमने गुरुजी से क्या सीखा? आज हमें भाषाओं के बारे में सिखाया गया। फिर तो तुम मेरी पहेली का जवाब आसानी से दे दोगे। एक और पहेली, वो तो मैं आसानी से बूझ लूंगा। पूछिए। ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम भी आती है? ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम आती है? खाने के काम? ये तो बहुत अटपटा सवाल पूछ लिया माँ। आप ही बता दीजिए। चीनी भाषा। नहीं माँ, हमें ये नहीं सिखाया गया। बेटा, जाओ अंदर फल रखे हैं, धोकर ले आओ। अगर आपको फल चाहिए तो आपको मेरी एक पहेली बूझनी पड़ेगी। अच्छा, मेरी चाल मुझी पर। चलो पूछो। ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी बिकता नहीं है? फल मीठा है पर बिकता नहीं है, बिकता नहीं है पर चखा गया है, तो ये तो बस एक ही फल हो सकता है, वो है मेहनत का फल। सही जवाब। अब तो मिलेंगे मुझे फल? जी। जाओ फिर लेकर आओ। तो फिर एक पहेली हो जाए। जी माँ, पूछिए। र नहीं तो नग बन जाए, न नहीं तो गर, यदि ग कट जाए तो हो जाए नर। माँ, मुझे तो लगता है कि आपके पास पहेलियाँ खत्म हो गई है। अच्छा, इतना आसान है तो दो जवाब। इसका जवाब है नगर। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि नगर में से र हटाओ तो नग, न हटाओ तो गर, और ग हटाने पे बन जाएगा नर, तो हुआ ना नगर। तो एक पहेली बूझी जाए। जी माँ, पूछिए। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूँ तो तुम ऐसा क्या खरीदोगे कि पूरा कमरा भर जाए? हाँ, माचिस और मोमबत्ती। भला क्यों? माचिस और मोमबत्ती की मदद से पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। अरे, कितनी सरलता से कितना प्यारा जवाब दिया है। माँ, जल्दी से पहेली का जवाब तो दो। पूछो। न भोजन खाता न वेतन लेता, फिर भी पहरा डट कर देता, बताओ क्या? आज तुम्हारी पहेली थोड़ी टेढ़ी सी है। न भोजन खाता है न वेतन लेता है, पहरा देता है तो रखवाली करता होगा। रखवाली किस चीज की करता है? वस्तुओं की? मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। मत बताओ, मैं खुद ही जवाब ढूंढ लूंगी। इसका जवाब है ताला। एक ताला ही तो है, ना खाता है ना वेतन लेता है, पहरा भी देता है और रखवाली भी करता है, तो तुम्हारा जवाब हुआ ताला। सही जवाब। अगर आज तुमने पहेली बूझी तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो इनाम मिलेगा। सच्ची? हाँ। तो फिर पूछिए। 3 पैरों वाली तितली नहा धो के कढ़ाई से निकली। 3 पैरों वाली तितली नहा धो के कढ़ाई से निकली,
ये तो समोसा है। सही जवाब। तो बताओ क्या ही नाम चाहिए तुम्हें? तीन पैर वाली तितली। माँ एक पहेली पूछूं? नहीं, आज पहेली मैं पूछूंगी। ठीक है, मैं कल पूछ लूंगा। कद के छोटे कर्म के हीन, बीन बजाने के शौकीन, दिन को सोए रात को गाए, उसका गाना सुन घबराए, बताओ कौन? कद के छोटे बीन बजाने, ओहो उफ, ये मच्छर कब से मेरे कान में भिनभिना रहा है, मुझे सोचने भी नहीं दे रहा। यही तो है मेरा जवाब। क्या? यही जो मेरे कान में भिनभिना रहा है, दिन को सोए रात को गाए, उसका गाना सुन घबराए, और ये कब से मेरे कान में गाना ही तो गा रहा है, मच्छर। सही जवाब। ये मच्छर ने ही आके तुम्हें तुम्हारा जवाब दिया है। आज तो पहले मैं ही पूछूंगा। हाँ पूछो। ठीक है। छोटे बड़े सभी को भाए, बूझ सके तो बूझ, गोल मटोल रंग है पीला, पेट में दाढ़ी मूछ। गोल मटोल पीले रंग का, पेट में दाढ़ी मूछ। जब तक मैं जवाब सोचती हूँ तब तक तुम आम खाओ। क्या माँ, आप इतनी आसानी से सारी पहेलियाँ बूझ लेती हो? जवाब ना देके भी आपने जवाब दे दिया। चलो आज मेरी पहेली पूछो। ठीक है माँ, पूछो। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? छू नहीं सकते पर देख सकते हैं। क्या हम उसे खुली आँखों से देख सकते हैं? वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, पर उसे बंद और खुली दोनों आँखों से देखा जा सकता है। खुली और बंद दोनों तरीके से देखा जा सकता है। फिर तो ये सपना ही है, क्योंकि हम सपना बंद और खुली दोनों आँखों से देखते हैं। माँ मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? चुप्पी? नहीं, चुप्पी तोड़ेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। इससे आप जितना भी खा लो आपका पेट नहीं भरता। अच्छा, तो तुम कसम की बात कर रहे हो? सही जवाब। तुम मेरी एक आसान सी पहेली बूझो। जी पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? पानी पीते ही आग मर जाती है। तुम्हारा जवाब एक तरीके से तो सही है, पर आग खुद पानी थोड़ी ना पीती है, उसको तो पिलाना पड़ता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर आग नहीं मरती तो पानी पीने से प्यास मरती है। चलो बताओ कि वो क्या है जो हमारे पास ही होती है, हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? ये तो वही पहेली है जो मैंने आपसे पूछी थी। इसका जवाब तो सपना है। नहीं, तुमने पहेली शायद सही से सुनी नहीं। पहेली समझोगे तो तुम्हें फर्क समझ आएगा कि वो क्या है जो हमारे पास ही होती है, उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। अच्छा हाँ, हम सपने को छू नहीं सकते, यानी हम इस चीज को छू सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, और ये हमारे पास भी होती है। परछाई, वो हमेशा हमारे साथ ही तो होती है, और हम उसे देख भी पाते हैं, हम उसे छू भी लेते हैं, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते। यही है ना सही जवाब? हाँ यही है सही जवाब। माँ बताइए कि वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? आज तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतनी आसान पहेली कैसे पूछ ली? आपको इसका जवाब पहले से ही आता होगा, इतनी भी आसान थोड़ी ना है। देखो आसान तो है, और इसका जवाब है उम्र। ठीक है, सही जवाब है। माँ मैं आपसे एक पहेली पूछूं? हाँ पूछो। वो क्या है जो लड़की का नाम भी है और लड़की का सिंगार भी है? अब मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास इसका जवाब है, और एक नहीं दो दो है। दो दो जवाब है एक ही पहेली के, बताइए। एक पायल और दूसरा बिंदिया। अरे वाह, मुझे तो बस पायल ही पता था।
आज मैं तुम्हारे लिए एक टेढ़ी सी पहेली लाई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी बूझ ही लूंगा। तो सुनो, प्रथम नहीं तो गज बन जाऊं, मध्य नहीं तो काज, लिखने पढ़ने वालों से कुछ छिपा नहीं मेरा राज। प्रथम नहीं तो गज, यानी आखरी के दो शब्द गज, और मध्य नहीं तो काज, काज और गज यानी कागज। आपका जवाब है कागज। देखा, मेरे लिए तो कुछ भी टेढ़ा नहीं है। हाँ हाँ मान गए। आज तो पहेली मैं ही पूछूंगा। हाँ पूछो। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या? फूल नहीं है पर खुशबू है, जलती है पर ईर्ष्या नहीं है। अगरबत्ती। सही जवाब। वैसे आज एक पहेली मेरे दिमाग में आई है, तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो सुनो। गोल गोल आँखों वाला, लंबे लंबे कानों वाला, गाजर खूब खाने वाला, इसका नाम तो बताओ लाला। खरगोश। वही तो है जो गाजर खाता है, लंबे लंबे कानों वाला, गोल गोल सी आँखें है। हाँ खरगोश। आज की पहेली तो बहुत आसान थी। माँ जल्दी से एक पहेली बूझो। हाँ पूछो। सारे जगत की करूँ मैं सैर, धरती पर रखता नहीं पैर, रात अंधेरी मेरे बगैर। धरती पर रखता नहीं पैर यानी कोई उड़ने वाला है, पर उड़ने वाला अगर पक्षी है तो वो कभी ना कभी तो धरती पर पैर रखता ही है। उसके बगैर रात अंधेरी लगती है यानी ये कोई पक्षी नहीं है, ये उससे भी ऊपर रहता है आसमान में। तो इसका जवाब या तो चांद है या फिर तारे। अब तुम ही बताओ कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है चांद। आज की पहेली हो जाए। हो जाए। ना कभी किसी से किया झगड़ा, ना कभी करी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई, बताओ क्या है ये? अरे ये तो राघव है। अच्छा तो तुम्हारी मैं रोज पिटाई करती हूँ, बताओ तुम्हें मैं? मैं तो मजाक कर रहा था। तो दो जवाब। इसका सही जवाब तो है ढोलक। ढोलक की ही मेरी तरह रोज रोज पिटाई होती है। माँ मुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? कि आज की पहेली का समय हो गया है। तो पूछो भाई। ठीक है मैं ही पूछ लेता हूँ। छमछम करके शोर मचाए, सोतों को वो आन जगाए, एक पलक में शान जताए, रोतों को वो आन हंसाए। आज तुमने कुछ ज्यादा ही टेढ़ी सी नहीं पूछ ली, पर मुझे लगता है मुझे इसका जवाब आ गया है, क्योंकि छमछम करके एक ही चीज आती है और वो है बारिश। सही जवाब। तो फिर एक पहेली हो जाए। जी माँ पूछिए। रंग बादामी शक्ल में अंडे, उबाल के उनको करते ठंडे, छिलके उनके उतारे जाते, दाल मसाला खूब बनाते। अंडे जैसे दिखते हैं, रंग बादामी, उबाल के उनको करते ठंडे। अरे ये तो आलू है, आलू को ही तो उबाल के खाया जाता है ना माँ? यही है ना सही जवाब? हाँ यही है सही जवाब। तो एक पहेली बूझी जाए। जी माँ। सफेद मुर्गी के हरे हरे पर, बताओ तो बताओ। सफेद मुर्गी के हरे हरे पर, मुर्गी तो सफेद होती है, कौन सी मुर्गी के हरे हरे पर होते हैं? मुझे पता है, ये आपने खुद से बनाया है, इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अच्छा अगर होता नहीं तो मैं पूछती क्यों? सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें नहीं आता? हाँ हाँ मुझे आता है, पर अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने सुना नहीं। कैसे बहाने बना रहे हो, सीधा बोलो नहीं पता तो मैं जवाब दूँ। ठीक है नहीं पता, आप ही बता दो। मूली। मूली के है हरे हरे पर, तुमने बताया नहीं, अब तुम जाओ अपने घर। माँ जल्दी से पहेली का जवाब तो दो। पूछो। तीन अक्षर का मेरा नाम, सब लोगों के आता काम, आदि कटे तो रहूं पड़ा, मध्य कटे तो बचे कड़ा। आदि यानी आगे का, आगे का शब्द हटा तो पड़ा, मध्य यानी बीच
का बड़ा कड़ा कपड़ा? इसका जवाब तो इतना आसान था, देखा हो गया तय। तो एक पहेली बूझी जाए। जी माँ, पूछिए। पांच अक्षर का मेरा नाम, आती मैं बोली के काम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो राघव धर कर ध्यान। इतना तो समझ आ गया कि ये कोई भाषा है, और उल्टा सीधा यानी आगे से बोलो या पीछे से एक समान रहेगा, तो हाँ मलयालम। बिल्कुल सही कहा।